प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने विधानसभा शाहपुर इलाके की जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी में लॉकडाउन के दौरान किसानों के साथ साथ हर नागरिक से भी अपील करते हैं कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने घरेलू सब्जियों को उगाने में लगाएं, ताकि आने वाले समय में महंगाई से बचने के लिए अपने घर पर ही सब्जी उपयोग में ला सकें। पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को मक्की का बीज, धान का बीज और खाद समय पर उपलब्ध करवाए, जिससे इस संकट की घड़ी में किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना झेलनी पड़े। शाहपुर तथा प्रदेशवासियों से मेरा अनुरोध है कि जो आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, कोरोना जैसी महामारी देश के अंदर फैली है और जिस तरीके से वर्तमान सरकार की गाइडलाइन का सब लोगों ने पालन किया, मैं सब लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। खासकर धन्यवाद करना चाहूँगा जो कोरोना वायरस थे हमारे, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हों, मजदूर हों, हमारे पंचायतों के प्रधान हों, चुनी हुई पंचायती राज संस्थाओं के अन्य हमारे जो पदाधिकारी हों, चाहे वो DC हों, SP हों, सब लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अब लगभग थोड़ा धान कंडी को छोड़ के 80-90% लोग जो है वो गेहूं की फसल भी ले चुके हैं। अब अदरक और हमारी हल्दर और दूसरी हमारी जो सब्जियां हैं वो, तो जो लोग अब जिन्होंने खेतीबाड़ी करते हैं उनसे विनम्र प्रार्थना भी है, ब्लॉक के अंदर अदरक का बीज भी अवेलेबल है, दूसरे बीज भी अवेलेबल है, तो अब उसके साथ साथ वो अपना किस तरीके से समय पास करें, साथ में सब्जी भी लगाएँ, अदरक भी लगाएँ, और इससे कि एक तो उनका समय भी सदुपयोग होगा और जो सेहत है वो भी फिट रहेगी। और मेरी वर्तमान सरकार से भी मांग है, अदरक और जो हल्दर और दूसरी जो अन्य बीजों की दुकानें वहाँ बीज अवेलेबल है। अब मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आने वाले समय में मक्का बीजा जाना है तो उन उसका और जो खाद है उसका प्रबंध जो है वर्तमान सरकार जल्दी से ब्लॉक में करे, जिससे कि किसानों की समस्या का भी हल हो सके।